सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राइडर गौरव शर्मा। तो गाइज हमारी राजस्थान की जो राइड है वो पूरी हो गई है। अब आज हम जाएंगे हमारे घर। हम यहाँ रुके थे होटल हर्षाली में, 3 दिन हम लोगों ने नाइट स्टे यहीं पे किया है और आज थोड़ा सा गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हुई है यहाँ पे। पीछे हमारी जो बाइक्स है वो कोल्ड स्टार्ट हो गई है। राइडर बॉय पी के जरा अंदर बिल वगैरह क्लियर कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे ये बढ़िया हाईवे बना हुआ है चित्तौड़ टू माउंट आबू जाने वाला, जो कि जोधपुर में जाता है। सो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र और आज राइड का लास्ट डे, तो आज हम निकलेंगे हमारे घर को। और यहाँ से फिर हम लोग अभी सांवरिया सेठ वाला रास्ता पकड़ेंगे और सांवरिया सेठ का रास्ता पकड़ने के बाद हम जाएंगे निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा से हम लोग निकलेंगे नीमच। नीमच में जाएंगे हम लोग भादवा माता, फिर वहाँ से जाएंगे मंदसौर। मंदसौर में जाएंगे श्री पशुपतिनाथ जी भोलेनाथ के मंदिर में और वहाँ से फिर हम लोग सीधा हमारे घर निकल जाएंगे मऊ इंदौर। सो फ्रेंड्स बहुत अच्छी राइड रही हमारी, सक्सेसफुल, क्योंकि ये एक रिलीजियस राइड थी। राजस्थान के बैल, यहाँ पे गाय और बैल के बड़े बड़े सिंग होते हैं, देख सक रहे बैल महाराज कैसे जा रहे हैं। उनके सिंग देखिए आप, किसी को उठा के फेंक दे तो मजा आ जाएंगे उसको। राजस्थान के ट्राले, पूरे राजस्थान में मैंने ये वाले ट्राले कुछ ज़्यादा ही देखे। ये देख सकते हैं आप, इनमें पत्थरों की ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो चलिए अब तैयारी करके फटाफट निकला जाए। तो फ्रेंड्स ये होटल हर्षाली है, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, प्लस आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। प्रॉपर आईडीज वगैरह आप लेकर आइएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स होटल हर्षाली के जो मेन ओनर है मिस्टर भगवान जी, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया इस होटल में, होटल हमें लगा ही नहीं, हमें बिल्कुल घर जैसा लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत हमारी चिंता करी। रात को हम लेट हो जाते थे पकाते, हमसे कॉल करके पूछते थे कि भाई कहाँ पहुँचे, और हम जब हम लेट आते थे रात को या टाइम से आ जाते थे, तो इन्होंने रात को 11:30 बजे के लगभग भी किचन खोल के खुद ने ही खाना बना के हमें खिलाया है। अब देखिए इतना प्यार हमें यहाँ पे मिला। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे होटल के मेन ओनर से। तो ये रहे हमारे मिस्टर भगवान डांगी जी, होटल के ओनर साहब। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना प्यार दिया। हमारा फर्ज है, बहुत हमें करना ही है। आपके सब के साथ में हम ऐसे ही बिहेवियर करते हैं जो मतलब अच्छा उनको लगेगा, घर जैसा लगना चाहिए। होटल होटल नहीं लगना चाहिए, घर जैसा लगना चाहिए। बहुत बढ़िया लोकेशन पे भगवान जी का जो होटल हर्षाली बना हुआ है, जोधपुर चित्तौड़ हाईवे पे। आप अगर नाथद्वारा जाते हैं तो भी जा सकते हैं, इधर आप जोधपुर जाएंगे तो भी आप उनके होटल पे विजिट कर सकते हैं। और इनका जो राजस्थानी के हर चीज में दाल बाटी वगैरह वगैरह हर खाने में आपको कोई टेस्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तुलसी सिंह राजपूत जी है हमारे उस्ताद जी, इनके हाथ के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज था। ये बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी। तो चलिए अब हम निकलने का टाइम आ गया है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भगवान जी को कि इन्होंने हमें अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी। और अगर आप इस रूट पर आते हैं तो मेन हाईवे पे आपको होटल हर्षाली दिखेगा, आगे डिवाइडर कटा हुआ है, वहां से अंदर आ सकते हैं। तो बिल्कुल इस होटल को विजिट कीजिएगा। और अगली बार आप कोई भी राजस्थानी ट्रिप पे इस रूट पर आते हैं तो आज आप भगवान जी के होटल पे आएंगे। घर वालों को उन सबको याद करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहे भगवान जी। चले भगवान जी, चले चलो। ओके बाय, मिलते हैं फिर, है ना। ठीक, मैं आपको घर पहुंच के फोन लगाऊंगा। और ये चली हमारी सवारी हमारे घर की ओर। ये बछुआ भैंसिया पर बैठ के जा रहे हैं। A few moments later.
तो फ्रेंड्स यहाँ से आप भादवा माता के मंदिर जा सकते हैं, ये है मेन द्वार। तो फ्रेंड्स बाइक पार्क करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं श्री भादवा माता जी के मंदिर पे, और ये देख सकते हैं इधर से रास्ता आता है और इधर से आप सीधा भादवा माता जी के मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अभी हम लोगों ने माता जी के लिए चुनरी वगैरह प्रसाद वगैरह ले लिया है, और यहाँ से अंदर एंट्री का रास्ता है, और अभी हम लोग जा रहे हैं भादवा माता जी के मंदिर के अंदर। ये देख सकते हैं इधर आपको इधर भी प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएगी, अंदर भी काउंटर पर लगी हुई है दुकानें, देख सकते हैं आप। ये रहा मंदिर मेन, और इधर भी दुकानें वगैरह है, और ये देख सकते हैं मेन मंदिर माता जी का। तो फ्रेंड्स अभी मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और ये मेरे पीछे माता जी का मंदिर बना हुआ है, और मैंने ले ली है प्रसाद और चुनरी वगैरह माता जी के लिए। ये देख सकते हैं पीछे मंदिर बना हुआ है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। One hour later. So friends, अभी हम लोग आ चुके हैं श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर मंदसौर में। मैं आपको ज़्यादातर क्लिप्स रोड की नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये वही रोड है जिससे हम लोग राजस्थान वगैरह जाते रहते। अभी हम लोग मंदसौर के अंदर आ गए हैं, और मंदसौर का जो हाईवे से 2.5 किलोमीटर दूर अंदर की साइड में मंदिर स्थित है पशुपतिनाथ जी का। तो चलिए मंदिर के अंदर चलने की तैयारी करते हैं। तो गाइस चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। प्रॉपर मास्क आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है, मास्क लगा कर आए, कोरोना काल चल रहा है। और ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, और ये दुकानें वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, जूता स्टैंड बना हुआ है, आप यहाँ पे अपने शूज वगैरह उतार सकते हैं। और ये देखिए सामने टेम्परेचर नापा जा रहा है, और आपको मास्क पहनकर ही जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं पुलिस अंकल सबका टेम्परेचर देख रहे, ये देख सकते कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा प्रांगण बना हुआ है पशुपतिनाथ जी का है। अभी हाल ही में कोरोना के कारण इतनी भीड़ वगैरह नहीं है, मंदिर खाली है अभी। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया पंडाल बना हुआ है, और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, इसमें श्री पशुपतिनाथ महाराज विराजित है। और अभी चारों तरफ से द्वार बंद कर दिए गए हैं, इस तरफ से ही आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया प्रांगण है। फोटोग्राफी वगैरह चल रही है, देख सकते हैं आप ये बाबा का त्रिशूल, ये देख सकते हैं आप सामने कुछ निकाल जी बैठ गए। पहले अंदर जाने दिया जाता था, बट अभी कोरोना के कारण अंदर नहीं जाने देते।